हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम अपनी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके सेक्शन फोर में टॉपिक आता है हमारा साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। मैं लिख रहा हूं dx by dt plus 5x plus y is equal to e power t, dy by dt minus x plus 3y is equal to e raised to power 2t। तो हमें इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। तो ये क्लियर है कि ये जो फॉर्म मैंने आपको बताई थी उसी फॉर्म की इक्वेशन है, जिसके अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है और दो वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, एक्स और वाई। इट मींस हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, हर क्वेश्चन को करने का तरीका। आपने बस इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है हमारा डी बाई डी टी यूज हुआ हुआ है, इसको हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं डी की। इससे करने में थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को। देन इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 और इसके लिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, देखिए, डी एक्स प्लस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू ई एच टू पावर टी। और यहाँ पर डी वाई माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई एच टू पावर 2t। तो देखिए, हमने जो डी वाई डी टी था उसे हमने डी पुट कर दिया, क्योंकि हमने इसे डी के इक्विवेलेंट सोल्व किया हुआ है दोनों इक्वेशंस के अंदर। अब देखिए, जहां पर x आ रहा है इनको आप मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा d प्लस 5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, पहले x वाला कोएफिशिएंट लिख लीजिए और प्लस में फिर यहाँ पर y वाले को हम मर्ज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, d प्लस 3 वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये सिमिलरली उसी तरीके से आ गई जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि ax plus by equal to c, another constant to x plus some constant to y equal to c है, जो अभी मैंने आपको शुरू से बताया। तो इसको करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम रहेगा कि हमें या तो x को एलिमिनेट करना है या हमें y को एलिमिनेट करना है। तो अब यहां से आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसको करने का तरीका क्या रहेगा, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को d प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को हम d प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट या एड जो भी हमें करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको देखकर हम कर लेंगे। तो देखिए, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो सपोज दैट आई वांट टू एलिमिनेट y, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय d प्लस 3। अगर मैं d प्लस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 4, तो हमें क्या करना है, इसे d प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इक्वेशन 4 में से। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम सॉल्यूशन देगा। तो देखिए, अगर मैं इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करता हूं d प्लस 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर d प्लस 5 इंटू में d प्लस 3 एक्स प्लस d प्लस 3
y equal to d plus 3 e raised to power t. तो सबसे पहले मैंने ये लिखा था कि मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 3 को किससे, d plus 3 से, ताकि इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए. और उसके बाद जो आएगा वो फिर मैंने लिखा था एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. तो जो इक्वेशन आई है हमारी इससे हम माइनस करेंगे किससे से, इक्वेशन नंबर 4 में से. तो इक्वेशन नंबर 4 में से आप कैसे माइनस करेंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट x वाले कोफिशिएंट में से माइनस होगा, y का y में से कोफिशिएंट होगा, और कांस्टेंट टर्म में से सबट्रैक्ट होगा. तो आप देखिए अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 4 में से माइनस कर देते हैं, यहां पर माइनस 1 माइनस d plus i d plus 3 और साथ में इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा. यानी इसमें से x के कोफिशिएंट में से x का कोफिशिएंट माइनस किया. अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगी. तो राइट हैंड साइड पर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका e रेज़ टू पावर 2t माइनस d plus 3 और इनटू में e रेज़ टू पावर t. अब यहां से देखिए माइनस 1 माइनस, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर करते हैं तो आपके पास आएगा d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 3d एंड प्लस 15. और यहां पर x इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2t माइनस, अब देखिए यहां पर क्या आएगा आपका, इसको अगर ओपन करता हूं तो det और यहां पर माइनस 3 e रेज़ टू पावर t आएगा. और यहां पर आपके पास माइनस 1 माइनस d स्क्वायर प्लस 8d और प्लस 15 होगा. और यहां पर x होगा और इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2t माइनस d का मींस क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमें पता है. तो जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे e रेज़ टू पावर t का, तो e रेज़ टू पावर t ही आएगा और ये फिर हमारा माइनस 3 e रेज़ टू पावर t आ गया. देखिए अब उसके बाद माइनस 1 माइनस d स्क्वायर माइनस 8d एंड माइनस 15, मैंने इसको ओपन कर दिया. और यहां पर x इक्वल टू ये आपका e रेज टू पावर 2t और ये माइनस माइनस प्लस यहां पर 4 e रेज टू पावर t आ जाएगा. अब इसको हम कन्वर्ट करके अगर लिखते हैं तो मैं इसको लेके उधर चलते हैं हम फ्रंट. b² + 2ab करेंगे तो 8d आ जाएगा और इक्वल टू जो यहां से आपकी
की दो वैल्यू आएगी -4 एंड -4। अब यहां से जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा वो क्या बनेगा, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे रूट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और जब रिपीट होते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो किस फॉर्म का होता है, a+b, और यहां पर क्या आएगा t, क्योंकि यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है हमारा t चल रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो x और t में है, ये ध्यान रखना है आपने। इससे पहले जो हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y होता था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता था, तो यहाँ पर t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या आते हैं हमारा a+b(t) एंड e^(-4t), तो ये हमारा यहाँ से आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के बाद अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, 1/d² + 8d + 16, और यहां पर आपका क्या दिया हुआ आपको राइट हैंड साइड पे 4e^(t) - e^(2t). तो अब हम यहां से इसके साथ इसे अलग ऑपरेट करेंगे और इसके साथ इसे अलग ऑपरेट करेंगे, तो यू विल हैव 1/d² + 8d + 16 4e^(t) एंड -1/d² + 8d + 16, और यहां पर आपके पास आएगा e^(2t). अब आपको पता है इसमें क्या करते हैं, जो e की पावर का कोएफिशिएंट है, e का कोएफिशिएंट क्या है 1, वो यहां पर t की जगह डायरेक्ट पुट होता है, तो यहां पर क्या आएगा 1/1 की स्क्वायर 1, और यहां पर +8 + 16, और ये 4 कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा आपका यहां पर, और e^(t). सिमिलरली यहां पर d की जगह क्या पुट होगा 2 पुट होगा, तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पर 8 × 2 = 16 + 16, और ये आपका आएगा e^(2t). अब इस तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो 4/16 + 8 = 24 + 1 = 5, 25 हो जाएगा ये आपका, और e^(2t) माइनस यहां पर 16 + 16 = 32 + 4 = 36, और e^(2t) हो जाएगा। तो यहां से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी किसका, कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो यहां पर हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन स्टार कह देता हूं क्योंकि मुझे अभी याद नहीं कि हमने पहले क्या इक्वेशन को नाम कहां तक दिए थे, तो इस इक्वेशन को मैं स्टार कह रहा हूं, तो इक्वेशन यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी x की, तो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी से पहले किसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार विल बी x = कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मींस a+b(t) e^(-4t) प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि 4/25 e^(-1/36 e^(2t). तो ये आपका आ गया x, तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, एक x की वैल्यू निकालनी थी, एक y की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो अब y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर y की वैल्यू निकालना चाहो तो मुझे किस चीज की जरूरत होगी, dx/dt की जरूरत होगी, और आपके पास उसके लिए x आ चुका है, तो यहां से आप dx/dt निकाल कर इसके अंदर पुट कर सकते हैं और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, वो ज्यादा आसान इजी ऑप्शन है, यहां पर आप x की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो dy/dt आएगा, उसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपकी y की वैल्यू आएगी। अगर आप इंटीग्रेशन से बचना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि हम इक्वेशन 1 का यूज करें। देखिए ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है यहां पर, अब
हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालना चाहूंगा क्योंकि यहां पर इजीली डेरिवेटिव निकल जाएगा x का. और अगर मैं यहां से सेकंड इक्वेशन से निकालूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा. तो इसलिए हम इंटीग्रेशन से बचने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें जो वेरिएबल हमारा निकल चुका है और उसका डेरिवेटिव जिस इक्वेशन में यूज हो रहा है हम उस इक्वेशन की हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. तो देखिए ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से निकलेगी हमारी y की वैल्यू और इसके लिए हमें जरूरत है dx/dt की. तो पहले मैं यहां से dx/dt निकाल लेता हूं. तो देखिए dx/dt अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें. फर्स्ट फंक्शन एस इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड -4t एंड -4 प्लस सेकंड फंक्शन एस इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और bt का डेरिवेटिव क्या जाएगा आपका b आ जाएगा. तो यहां पर b लिख देंगे हम प्लस 4/25 और यहां पर e^t का डेरिवेटिव e^2b क्या t आएगा और यहां पर -1/36 और e^2b का डेरिवेटिव e^2b और इन दोनों में 2. अब अगर मैं इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये आपका आ जाएगा 1/18. अब देखिए अब dx/dt आपके पास आ चुका है, x आपके पास आ चुका है. इस इक्वेशन से हम अब y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो किस इक्वल होगी, y इज इक्वल टू e^t -5x -dx/dt. तो अब ये सब की सब वैल्यू आप सबको करनी है x की और dx/dt की जिससे आपकी y की वैल्यू यहां से निकल आए. तो देख सकते हैं e^t minus 5x यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके लिख मैं से तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे करेंगे तो 5 a+bd e^2 -4t आ जाएगा. यहां पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इस वन को तो 5 का 25 कैंसिल होकर यहां पर 4/5 e^2t आएगा. साइन भी चेंज होते रहेंगे ये माइनस इस वजह से. और उसके बाद यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास 5/36 e^2t आएगा विद पॉजिटिव साइन क्योंकि साइन चेंज होते रहेंगे हम यहां पर. और फिर माइनस में dx/dt यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिखनी है विद चेंज ऑफ साइन. तो यहां पर क्या आएगा हमारा देखिए प्लस 4a+bd e^-4t फिर यहां पर आपका आएगा -b e^-4t -4/25 e^-t एंड प्लस 1/18 e^-2t. अब देखिए अब आपको क्या करना है मर्ज करके लिखना है. पहले हम क्या कर लेते हैं e^t वाले को देख लेते हैं. देखिए तो e^t यहां है हमारा एक e^t ये है हमारा और एक हमारा e^t ये है. इन तीनों को मैं मर्ज करूं तो कोफिशिएंट्स देखिए एक जगह 1 है एक जगह -4/5 है और एक जगह हमारा -4/25 है. अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 25 एलसीएम आएगा हमारा या 25 -5 5 जा और 5 को 4 से करेंगे तो 20 -4 तो दिस विल बी इक्वल टू 1/25 यानी ये आपका यहां पर आ जाएगा 1/25 e^2t. अब देखिए e की -4t एक तो e^-4t इसमें है एक आपका यहां पर आ रहा है और एक आपका यहां पर आ रहा है. क्या कहिए ये देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम है और यहां पर प्लस 4 है या -5 है तो इंक्रीज इस क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी माइनस होगी तो आपके पास क्या बचेगा आपके पास बचेगा -1 a+bd e^2
माइनस फोर बी और साथ में ये आपके पास माइनस बी ई रेस टू पावर माइनस फोर टी. अब इन दोनों में से अगर मैं ई माइनस फोर टी कॉमन लेता हूं और माइनस बी कॉमन लेता हूं तो आपके पास अंदर आएगा ए प्लस बी टी प्लस में बी. तो आप ये लिख सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए प्लस बी टी प्लस बी और ई रेस टू पावर माइनस फोर टी. अब आपके पास सिर्फ रहेगा एक और सी क्वांटिटी वाले ई रेस टू पावर टू बी वाले. एक तो ये है क्वांटिटी और एक हमारे पास ये क्वांटिटी है. अब अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को क्या करते हैं ऐड करते हैं इनके कोफिशिएंट्स को देखिए 5 बाई 36 प्लस 1 बाई 18 को. तो यहाँ पर 36 यहाँ 5 प्लस 2 आएगा और 7 बाई 36 आपके पास आएगा प्लस 7 बाई 36 ई रेस टू पावर 2t. तो ये आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है. तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. आप ये लिखोगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस. इट फॉर्म्स द कंप्लीट सॉल्यूशन.